guys. Wow. Oh, hey, भगवान, जहाँ कोई लड़की देख ले चार पांच गुंडे छेड़ने के लिए आ जाते हैं. रुको एक मिनट. तुम लोगों की धुलाई करने के लिए मैं अपने बॉस को बुलाती हूँ. नहीं छेड़ोगे ना? रुको. बॉस, आना जा रहा है, मुझे कुछ गुंडे छेड़ रहे हैं. अरे आओ बॉस. Thank you, boss. Thank you. कोई बात नहीं बहन. तो मेरा कर्तव्य था. आपकी हिम्मत कैसी हुई मुझे बहन कहने की? इतने भारी सामान को बहन नहीं बोलूंगा तो क्या करूंगा? तुम्हें पता है तुम्हारी जब शादी होगी ना तुम्हारा पति भी तुम्हें बहन कहेगा. देखिए बॉस, मैं कोई आम औरत नहीं हूँ. मैं जानता हूँ तुम आम नहीं हो. हाँ. तुम पूरा का पूरा कद्दू हो. तुम आम बिल्कुल नहीं हो सकती. बॉस 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 बॉस, मेरे साथ अनर्थ हो गया. बॉस क्या हुआ, तुम्हें किसी ने एक्टर कह दिया? नहीं नहीं, एक्टर नहीं बॉस, ये रुपया गिर गया बॉस. तो जाओ बेटा उठा लो, जाओ जाओ जाओ, रुपये को गिरने मत दो, जाओ. अरे वैसा वाला नहीं बॉस, ये यूरो और डॉलर आगे निकल गए बॉस. एक कच्चे बनियान के नाम क्यों ले रहा तू? बॉस आपने जब से इनकी एड की ना, आपको यूरो और डॉलर कच्चे और बनियान ही लगते हैं. अरे डॉलर डॉलर आगे निकल गया. पैसे? हाँ, पैसे आगे निकल गए. हाँ, बहुत महंगाई हो गई. पेट्रोल कितना महंगा हो गया आपको मालूम? फिकर मत कर, एक काम कर, बाहर जा. हाँ. मेरी गाड़ी है, उसमें 5-6 लीटर निकाल ले, जा. चल, ले, जा, 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 जा. पेट्रोल तो आप दे दोगे, थोड़ी गाड़ी डलवा दो ना उसमें. तो पागल है. अच्छा एक काम कर, तेरे लिए मैं 2-3 लाख की ले लूंगा बस. 2-3 लाख की? कमाल है, इतने बड़े स्टार का पेट्रोल लूंगा मैं तो? कम से कम Q7 तो बनती है ना अपनी. बीच में मत बोल सर, आपकी फिल्म की प्रमोशन कर रही हूँ. वेरी गुड, शाबाश. थैंक यू. हाँ प्रमोशन है, मैं भी तेरे कान के नीचे प्रमो. बीच में ना बोल. और तेरी हिम्मत कैसे होती है लड़कियों के बारे में ऐसे बोलता है? उसको थप्पड़ मारेगा तू? हाँ देखा, ये होता अंदर का प्यार. मुक्का मार इसको, मुक्का मार. मुझसे प्यार करेगी तू? तुम लोगों ने मुझे मारा ना दोनों ने. अब मैं अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती हूँ. शायद तुम दोनों ने मेरा बॉयफ्रेंड नहीं देखा. कौन है तेरा बॉयफ्रेंड? ऊंचा लंबा माचो जवान. क्या है? सिक्स पैक का मालिक. कौन? जॉनी इब्राहिम है? उससे भी ज्यादा सुंदर. कौन? टॉम क्रूज आएगा? एक बार रुको ना सही. जानी बात सुन, तुझे शर्म नहीं आती? किससे प्यार कर रहा तू? हाँ तेरे को शर्म नहीं आती? किससे प्यार कर रहा तू? बीच बड़ा बोल. ओ सुदेश. हाँ सुन, तेरा काम कर दिया मैंने, बहुत मारा साले को मैंने आज. हाँ फिक्र मत कर, तेरा काम कर दिया. ओके प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है? 10 लाख घर भेज दियो. ओके ओके ओके. वाह बॉस वाह, आपने सुदेश जी की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी, हमारी भी कर दीजिए ना. मेरी इनसे शादी करवा दीजिए. करवा दे बॉस, करवा दे. एक बात बताओ. हाँ जी. तुम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हो? बहुत ज्यादा. कहाँ मिले थे तुम लोग? न्यू जर्सी में. अरे बात सुन, तेरे पास पासपोर्ट कहाँ से है? तेरे पास तो पासपोर्ट नहीं है. नहीं नहीं, मैं न्यू जर्सी पहनी हुई थी ना. न्यू जर्सी है? न्यू जर्सी है भाई, लाल वाली. अच्छा अच्छा, लाल वाली जर्सी देख के बहुत खुश होती है. अब मुझे बड़ी खुशी होती है, तुम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, सुदेश की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. चलो अपने अपने प्रोग्राम शुरू करते हैं. चलो जाओ जाओ खेलो. अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे भी कुछ करवाओ ना यार, ऐसा बॉस ऐसा थोड़ी चलेगा. प्लीज, तेरी क्या प्रॉब्लम? तेरी भी तो सॉल्व कर दी थी मैंने. कौन सी? कौन सी मतलब? 2 महीने से तू मेरे साथ शूटिंग कर रहा है बैंकॉक में, है? तेरे को पिक्चर दिलवा दी और इससे क्या जान लेगा हमारी तू? बॉस सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो मुझे आके बता देना, ठीक है? ओके तो चलो भाई प्रोग्राम शुरू करते हैं. बॉस के लिए नौकरी के पंगों और बॉस के फटकों से बिंगो यमीटोस ब्रेक दिलाने आ रहे हैं मंत्रा एज एम्प्लॉई, मुबीन एज बॉस एंड जैमी एज बॉस की बेटी. चांदनी चौक का गबरू मुंडा जिसने कर दिया अच्छे अच्छे पहलवानों को टुंडा, अरे देख कर चढ़ जाता है लड़कियों को इश्क का खुमार, द वन एंड ओनली अक्षय कुमार.
अक्षय भाई, आपके फिटनेस के हम कायल हैं, दीवाने हैं, और आपके बारे में बड़ी चर्चाएं होती रहती बैक स्टेज। हमारा कृष्णा बैठा हुआ है, बहुत बताया, वो आपके साथ एक फिल्म कर रहे हैं शायद आने वाले दिनों में। बताया गया कि सुबह सुबह का टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है अक्षय साहब के साथ। सर वो कृष्णा जो है ना, उसकी तो घड़ी खुद 11:30 बजे उठती है। नहीं नहीं, लेकिन वो सही वक्त पे आ जाता। हाँ सर, उसने सही वक्त 7 बजे पहुंच जाता था। सर आप उठाने के लिए बैठे थे ना वहाँ पे, इनका क्या, ये तो सुबह 4:45 बजे उठता है, घड़ी को बोलते उठ जाओ बेटा 4 बजे। अक्षय भाई आपके तो फिल्मों के डायलॉग्स माशाल्लाह सोशल मैसेज देते हैं। सर अक्षय भाई ने बोला, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता वो डेफिनेटली करता हूँ। ये सर हर हिंदुस्तानी की कहानी है सर। क्योंकि जो वो बोलते हैं वो तो वो करते हैं, हम दो हमारे दो। और जो वो नहीं बोलते वो सुमड़ी में जाके डेफिनेटली करते हैं। anyway, सर आपकी फिल्म रिलीज हो रही है, फिल्म का नाम है बॉस, और ये जो वर्ड है इससे इस देश का हर नौजवान पीड़ित है। मैं भी अपने बॉस से मिलने आया हूँ नौकरी मांगने, देखते हैं नौकरी मिलेगी कि नहीं। क्या बात है, ऑफिस में कोई आया नहीं? नमस्ते सर। कौन हो तुम? मैं इंडिया का फ्यूचर हूँ जिसके पास्ट की लगी पड़ी है, इसलिए प्रेजेंट में आपसे नौकरी मांगने आया हूँ। प्लीज नौकरी दे दीजिए सर। नौकरी मांगते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अच्छे खासे गरीब दिखते हो, भीख मांगो। निकल जाओ यहाँ से। सर ऐसा मत कीजिए सर, मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है सर। आपको मालूम नहीं मैंने जीवन में बहुत ठोकरें खाई है, और जीवन से मैंने बस एक ही चीज सीखी है। मैंने भी जीवन से एक चीज सीखी है। हाँ सर। लेकिन परफेक्ट सीखी। वही थी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी नहीं आई अभी तक। बेटी? ये टोटा कौन है? Excuse me, she is my daughter. Hello daughter, can I have a glass of water? What? Wow. अपना क्या, अपने को तो बस पानी निकालना है। हाँ, पिछले 2 सीजन से सटायर कर करके सबकी आंखों से पानी निकाल रहा है तू। इतना घटिया पंच, तेरे को तो मैं आज ना शाबाशी दूंगा, शाबाश। बहुत टैलेंटेड लड़की है, सरस्वती का वास है उसके गले में। ए, तमीज से बात करो। हाँ। तुमको नहीं पता मेरे डैडी कॉमेडी सर्कस का 1 सीजन जज कर चुके हैं। तो अगर जॉनी भाई ने 1 सीजन जज किया तो उसकी लड़की पार्टिसिपेंट बन गई। इस हिसाब से तो अर्चना जी ने 16 सीजन जज किया। आपके बेटो को तो हमारी छाती पर फुटबॉल खेलना चाहिए। शादी करवा दो ना डैडी। डैडी मैं अकेले इस 4 दीवारी में तंग आ गई हूँ। बेटी शादी के बाद तुम 2 हो जाओगे, 2 लोग 4 दीवारी में और ज्यादा तंग आ जाएंगे। कितना घटिया पंच। मैं बाबा को कह के तुम्हें मुंबई से बाहर करवा दूंगी। बाबा को बोल के मुझे मुंबई से बाहर निकलवाएगी तू? ऐसा मत करना बाबा, मेरे छोटे छोटे बच्चे बाबा, नन्हे नन्हे बच्चे बाबा, छोटा बेटा राजू बैठता दुकान की बाजू खाते काजू बाबा। डैडी आप मेरी शादी इससे करवाइए ना डैडी, इनको देख के मेरी दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं। अच्छा, कल काला सांड मेरे पीछे दौड़ा था तब मेरी भी धड़कनें तेज हो गई थी, तो क्या मैं उससे शादी कर लूं? नहीं ऐसा नहीं है। बेटी तुझ बेवकूफ से शादी मत कर, तू जिससे बोलेगी मैं तेरी शादी उससे करवा दूंगा बेटी। अच्छा अक्षय कुमार। भैया एक सुनो, तुम्हारी शादी के लिए तुम्हारे माँ बाप से बात करें या फिर तुम ही कर लोगे? जैसी आपकी इच्छा सर। बेटी ये क्या कर रही हो तुम, ऐसा नहीं करते बेटी, गलत बात है ये। ए बाबा। क्या बाबा? अरे बाबा। क्या बाबा? बाबा बाबा बेटी वाह वाह, क्या करती मेरी बेटी, मेरा पेट दुख गया, मेरे जबड़े दुख गए, कितना अच्छा करती मेरी बेटी। हाँ मैं तो बोल रहा हूँ जॉनी जी सामने बैठे हैं इसलिए हम लोग इतना अच्छा कर पा रहे हैं। जॉनी जी अगर कोई आपके साथ 2 दिन भी आपके घर में बिता लेना तो वो फुल ऑन कॉमेडियन बन जाए। खैर चेंज द टॉपिक, मैं किसी और बारे में बात कर लेता हूँ। सर ये है सर, बहुत हम लोग सीख रहे हैं इनके साथ। ये पागली हमेशा बीच में सर गलत बातें बोलता है, इनसे मैंने इतना कुछ सीखने को मिला, और ये अगर ना होना हमारी टीम में हमारा भला होगा सर। ये चेंज द टॉपिक है, प्लीज चेंज द टॉपिक, चेंज द टॉपिक। क्या चेंज द टॉपिक, चेंज द टॉपिक? हां मेरा कोई गॉडफादर नहीं तो मतलब मैं कॉमेडियन नहीं? वो कुछ भी करे तो अच्छा और मैं कुछ भी करूं तो बुरा? तेरे को पता है जितने इंडस्ट्री में एक्टर नहीं ना उससे ज्यादा की मिमिक्री करता हूं मैं। कोई अपना पापा अपने बेटे को लॉन्च करता है ना तो पहले मेरे पास आता है, भैया बताओ ये लड़के की आवाज कैसी रखनी, आपके कंफर्टेबल के हिसाब से रखनी है, मतलब जैसे आपको निकालना है।
अरे क्या क्या नहीं किया मैंने लोगों को हंसाने के लिए, कभी सलमान, कभी शाहरुख, कभी ऋतिक, कभी सुनील, मुन्ना मेरा बच्चा है तू, हाय को हाय को आया, अरे क्या क्या नहीं किया मैंने। अब मुझे लगता है कि आज मुझे यहाँ से धक्के मार के निकालेंगे ये लोग, लेकिन जब धक्के मार के निकालने हैं तो मैं जाते जाते लोगों की आखिरी तमन्ना पूरी करके जाऊंगा। क्या? तो पेश है आज पहली बार फेस टू फेस अरबाज खान। मुबीन, ये जो आप गुस्से में करते हो ना, बहुत अच्छा करते हो। वैसे तो ये हमारे दोस्त हैं, लेकिन जब वो देखेंगे ना, वो भी इंजॉय करेंगे। आपको ऐसा लगता है कि मैं हंसता नहीं हूँ, मैं हंसता हूँ, लेकिन आप लोग अपने एक्ट में इतना बिजी रहते हैं आप देखते नहीं। जब आप बाहर रिहर्सल भी करते ना, तब भी मैं वैनिटी में हंसता रहता हूँ। डैडी बहुत हो गया, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, मुझे आपके साथ नहीं रहना, मैं बालिग हो चुकी हूँ, मुझे जायदाद में हिस्सा चाहिए। किस बात का जायदाद में हिस्सा चाहिए? तुम मेरी बेटी नहीं हो, मुझे आज भी याद है, कई साल पहले अपने 2 साल के बेटे को मंदिर लेकर गया, वहां तो मुझे पड़ी हुई मिली थी। तो आपका बेटा कहाँ है? ओह माय गॉड, मैं तो वहीं भूल गया। मैं भी मंदिर की सीढ़ियों पर पाया गया था। अच्छा, फाँ फाँ। बेटा। मुझे तो मेरा फाँ फाँ, मेरा बाप मिल गया, तेरा क्या होगा? मेरी बाप की चिंता मत करो, क्योंकि जो मेरा बाप है वो तुम सब कॉमेडियंस का बाप है। अबे ओए लकड़ बग्गे की औलाद, बीच में ना बोल। बॉस का खून बोलता नहीं, खोलता है, और जब बॉस का खून खोलता है तो बॉस एक एक को फोड़ता है। क्या करता है? फोड़ता है, बीच में ना बोल। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बाबा, कैसे लग रहा है आपको बेटी की परफॉर्मेंस? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मोबिन, क्या बात है। मंत्रा और संतरा। मुझे बहुत मजा आया, मुझे यहाँ तक कि रोना भी आया, बीच बीच में मेरे हल्के से आंसू भी निकल जाते थे, क्योंकि इतना हंसाया इन लोगों ने, इतना हंसाया। मैं इतनी जल्दी हंसता नहीं हूँ एक्चुअली, में सच्ची बात है, मैं इतनी जल्दी हंसता नहीं हूँ, लेकिन इनके जो चुटकुले थे, इन्होंने जो करा, कमाल कमाल की छोटी छोटी नुआंसें पकड़ी हुई है, बहुत मजा किया यार। आप लोग एक्चुअली इंजॉय कर रहे थे। और खैर मुबीन साहब, आप मेरी एक्टिंग नहीं कर पाए, थोड़ा कम किया, मतलब आपकी आवाज बैठी नहीं मेरे पे। एक बार वही डायलॉग सर, मैं सुबह से बोल रहा हूं, केवल अक्षय भाई बोल पाएंगे। कौन सा डायलॉग चाहिए? लेकिन बहुत मजा आया आप तीनों को देख के। आई मे गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ ग्रेट करियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरे लिए बहुत ही खुशी का मौका है कि मेरे फादर यहाँ पर मेरे साथ यहाँ हैं, तो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट, वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर मी। जॉनी सर, सो आई जस्ट वांट टू थैंक यू कि आप इतने, यू आर सच एन इंस्पिरेशन टू मी एंड टू सो मेनी अदर कॉमेडियंस ऑल ओवर इंडिया। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, थैंक यू वेरी मच। और जरा प्यार दीजिए, बॉस देखिए, बहुत मजा आएगा आपको। जॉनी सर, आज हमारे लिए पहली बार आप दोनों इस स्टेज पर आए हैं, एक बार अगर पिताजी और जो सुपुत्री हैं उनका एक छोटा सा परफॉर्मेंस हो जाए तो। क्या बात है, क्या बात है, बजाओ भाई बजाओ। Archie, how many points for this act? 10 points! So, Archana ne diye hai is act ko bingo top 10. Arbaz? Mubin. Mubin. 9 points! Akshay ke karan Krishna ki girlfriend ne laga di hai uski vaat. Kaise? चलिए देखते हैं। प्लीज वेलकम कृष्णा इस गांव का लड़का, खुशबू है सरपंच की बेटी एंड सुदेश एज हिज फ्रेंड। मेरा दोस्त मिलान, क्या बात, ये अक्षय सर के हेयर स्टाइलिस्ट हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। अक्षय सर इतनी फिल्में करते, इतना बिजी रहता है
कि पिछले साल की होली के बाद नहाया ही नहीं है। आप लोग आए, बहुत 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 खुशी हुई मुझे। नहीं ऐसी बात नहीं है अरबाज भाई, अर्चना जी मैं भी अच्छा, आप लोगों को भी देख के बहुत 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 खुशी होती थी। अच्छा अभी क्या हो गया? रोज रोज का देखने यार, क्या लेने देने। अक्षय सर बहुत प्रॉब्लम आ गई है, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ 6 साल से, उससे दिल की बात कह नहीं पा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे करूँ। मेरी बारी आती तो बंद कर देते साले। क्या हुआ मेरे दोस्त? भी हुआ क्या बताना यार, क्या कर रहा है? आती है सब, मेरा प्रॉब्लम है, फोड़ा ठीक नहीं हो रहा अभी। फोड़े की बात नहीं कर रहा मैं, मेरी वो हमेशा की प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, फोड़ा ठीक हुआ कि नहीं। मतलब 6 साल पहले लड़की को प्यार हो गया, दिल की बात कहीं नहीं जाती यार, क्या यार तुम कब करेगा तू? मैं देख 6 महीने में 6 भैंसों को मैं दिल की बात कह चुका हूँ। अरे भैंसों की बात कर रहा है तू, वो सरपंच की लड़की की बात कर रहा हूँ, अभी आती होगी, मैं कैसे बोलूंगा कैसे? तू कुछ नहीं बोल सकता। हाँ तू सिर्फ एक्सप्रेशन देना, बाकी डायलॉग सारे मैं बोलूंगा। ए लड़की इधर आ। क्या लड़की लड़की लगा रखा है, जानते नहीं हो? मैं सरपंच की बेटी हूँ रेशमा। चलो ठीक है सरपंच की बेटी, ए इधर। क्या प्रॉब्लम है, जल्दी बोलो, देखो मुझे नहाने जाना है। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, नहा लेना, ये नहर है, यहाँ कौन सा 8 से 10 पानी आता है। जल्दी काम की बात करो जो करनी है। आप मेरे से शादी कर लो, मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूँ। तुम जानते भी हो मैं हूँ कौन? अत्ता माची चटकली। हिम्मत है तो मेरे को थप्पड़ मार। अच्छा मार थप्पड़। नहीं लगता, नहीं लगता। एक और मारूं क्या? ए बाबा तेरे में हिम्मत है तो मेरे पीठ पे छुरा बोक के दिखा। साले जाहिल गवार अनपढ़। जाहिल गवार अनपढ़ बोल रही है। माना के मेरे दोस्त को पढ़ना नहीं आता, माना के मेरे दोस्त को लिखना नहीं आता, माना के मेरे दोस्त को प्यार का इजहार करने नहीं आता, माना यार वाकई तेरे को तो कुछ नहीं आता, किस बेस पे लड़ू मैं? क्या बकवास कर रहा है भाई ये, तेरे से कुछ नहीं होगा। देखो डाले मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हें पता मेरे लिए तो कोई सपनों का राजकुमार अक्षय कुमार आएगा, मेरे सपनों का बॉस, मेरे खतरों का खिलाड़ी। बहुत एक्टिंग हो गई तेरी माँ। अक्षय कुमार मैं जानता हूँ, अपना भाई है। मेरे को हल्के मत लेना, तुम जैसे बात करते रहते हो ना, उसके साथ फिल्म की है, फिल्म की है। मैंने भी अक्षय के साथ फिल्म किया। कौन सी पिक्चर की तूने? पाजी इन प्रॉब्लम, पाजी। अच्छा अच्छा तेरे साथ पिक्चर बनाएंगे तो भैया पाजी तो प्रॉब्लम में रहेंगे ही। तू तो मेरे साथ शादी करने वाला था ना, क्या हुआ? सॉरी 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 सॉरी, देखो मुझसे शादी कर लो प्लीज, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तू ना, तू तो साला मेरे ठोकर के भी लायक नहीं है। अरे किसके पांव गिरा ये पागल, तेरे को ठोकर मारते हम लोग। सुन लो मेरी बात, जब तक अक्षय कुमार जैसे नहीं बन जाते ना, मुझे अपना ये घटिया सा चेहरा मत दिखाना। अक्षय कुमार ने बहुत प्रॉब्लम दिया यार। क्या प्रॉब्लम यार, तू ढंग से बता अक्षय कुमार मतलब क्या क्या करता है? नेट पे सारा कुछ लिखा है उनके बारे में। हाँ हाँ हाँ, तू नेट निकाल। यस बनूंगा मैं अक्षय कुमार जैसा। हे हाँ अजय, हाँ हाँ क्या है ये ऑन कैसे होता है? अरे नेट ऑन करना नहीं आता तेरे को? ऑन कैसे होता? हमें चलाना तो आता है ना। ये ले। यस हाँ यस अक्षय कुमार। क्या हैंडसम यार। अरे वाह यार क्या। हाँ। अरे 30 करोड़ रुपया लेता है एक फिल्म का। अरे अपने को क्या लेना देना, क्वालिटी से लेना देना है ना, अपने को तो 30 रुपया भी नहीं मिलेगा। तो क्वालिटी बनाओ ना। हाँ तो क्वालिटी का बता मेरे। हाँ जी, सुबह 4 बजे उठ जाता है। अच्छा, अरे 30-30 करोड़ लेते हैं ना, 4-4 बजे उठ के देखते घर में पैसा है कि नहीं, पैसा इनका रहता है। अरे मैं तेरे को बोलूं 10 बजे रात को सो जाता है। अरे ऐसी क्या है कि फिटनेस, ये बंदा रात को 10 बजे थक के सो जाए, ऐसा क्या होता है? तू पागल है, 10 बजे सोता है तभी तो फिट रहता है वो। अच्छा देख, तेरे को अक्षय कुमार बनना है ना। हाँ। उसे शादी करनी ना। हाँ। तो 10:45 बज गए, 10 बजे सो जाओ। सो जा सो जा सो जा सो जा सो जा सो जा।
मैं नहीं सोना क्योंकि मैंने तो चंकी बनना भैया। एक मिनट, साढ़े तीन, पौने चार, पांच मिनट कट, चार बज गए, चार बजे उठ जा, उठ जा, अरे सोने देना यार, अरे अक्षय कुमार नहीं बनना, उठ जा, पांच बजे उठा देना, तू पागल है, पांच बजे नहीं उठना, चार बजे उठना, अक्षय कुमार बनना है, अरे तो थोड़ा कम अक्षय कुमार बन जाऊंगा यार, पांच बजे उठा दे यार, उठ, अरे अक्षय कुमार से बनी कम से कम अक्षय कुमार से काम चला है। मरने से पहले अक्षय कुमार बन जाऊंगा ना। क्या बन गया अक्षय कुमार तू बन गया क्या? फील कर फील कर अक्षय कुमार साले इतनी भी लानी इधर। हाँ आया आया ताकत आई रे आइए। यस हाँ एक मिनट। हाँ ये ले सिंदूर की डिब्बी। हाँ बुला रेशमा को कर दे शादी। बुला रेशमा। कौन है किसने बुलाया मुझे? कौन है? मैं वही हूँ गांव का गवार जो बन गया है अक्षय कुमार। क्या तो मुझे तबरा कर दो। नहीं साबित करके दिखाओ। बहुत इजी एक मिनट जरा। ये देख। टूट गई हड्डी। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। चलो तैयार हो शादी करने दे। एक ही है ना दूध। अरे नो दूध नो दूध। सब फिट है बॉस सब फिट है। आओ मेरी बाहों में हम सुहागरात बनाते हैं। हेलो ए छोटू दस बाई के चलो सो जा। क्या नहीं बीच में अक्षय कुमार बनना कि नहीं चल सो जा। अरे अरे कमजोर हो जाएगा चल कमजोर। अरे अक्षय कुमार बनना है। मैं सोऊंगा मैं सोऊंगा। बाबरे बाबरे तू भी सो जा। आजा आजा। नहीं नहीं मैंने पहले कहा है मैं चंकी बनना मैं नहीं सोना। अरे उठो तुम इस दिन के लिए तो मैं अक्षय कुमार बनाया था सुहागरात भी नहीं बना रहे क्या हो गया ये तुम्हें? देखिए आप मेरे दोस्त को डिस्टर्ब ना करो उन्हें अक्षय कुमार बनना है सुहागरात के लिए मैं हूँ ना मैं अरे क्या बकवास कर रहा है पागल तेरे ही गया हूँ क्या बकवास कर रहा है तू तू ही कह रही थी अक्षय कुमार बन गया अक्षय कुमार बन गया। सॉरी दस बजे सोना पड़ता मालूम है उसके लिए चार बजे उठना पड़ता है थोड़ा मुश्किल है मुश्किल है सुहागरात में मैं बेजू ही ठीक हूँ यार। कृष्णा साहब आपकी आप हमेशा एंट्री ना गाने से लिया करें ऐसे आई एम श्योर सभी जानते हैं लेकिन मैंने आज आपको उस रूप में देखा शायद मैंने देखा नहीं था। मैं हमेशा आपकी कॉमेडी देखते आया हूँ। कॉमेडी तो मैं इतनी अच्छी नहीं कर सकता आप लोग जितनी आप तीनों ने बहुत बहुत हंसाया बहुत मुझे ऐसा ऐसा लगा कि आप मेरी बहुत तारीफ़ की आप लोगों ने और दिल को भी छुआ मतलब मुझे पता नहीं चल रहा था कि आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो या खैर जो भी है मुझे बहुत हंसी आई। मैं एक बहुत ही सीरियस मोड पे जाना चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए कि आजकल के यंगस्टर्स बहुत सारा गलत किस्म की चीज़ें खा लेते हैं जैसे कि अपनी जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में चाहे वो पाउडर्स होते हैं या स्टेरॉइड्स होते हैं। मैं उनसे सिर्फ यही कहूंगा कि शॉर्टकट तरीका ना अपनाएं क्योंकि आपको पता नहीं है मैं बहुत लोगों को जानता हूं जो बहुत पछताते हैं आगे जाके। बिलीव इन माँ के परौंठे इन घी क्योंकि हमारी असली सेहत हमारे दादाओं से पूछो हमारे पिता से पूछो ठीक है। तो बस इस छोटी सी चीज को फॉलो करें आप लोग और हमेशा खुश रहें अपने माँ बाप का ध्यान रखें। धन्यवाद। थैंक यू। जॉनी सर कैसा लगा आपको ये एक्ट? बहुत अच्छा भाई। कृष्णा और सुदेश लहरी जी मैं आप दोनों का बहुत बड़ा फैन हूँ क्योंकि आप लोगों की टाइमिंग इतनी अच्छी है और आप जो भी करते हैं कमाल करते हैं और अच्छा करते हैं बहुत अच्छा। कृष्णा डांस के बारे में बहुत तारीफ की अक्षय भाई ने आपकी और आपके बदन में तो रिदम है ही खानदान से है ना अल घराना मगर देखो
इंसान को घबरा जाता है कभी कभी, तो उसको कंट्रोल करो, आप और अच्छा डांसर बन सकते हैं अगर सुदेश जी से आप सीखें सीरियसली। क्या करते हैं नायगांव गोरेगांव लेफ्ट राइट, इसकी टाइमिंग आपको नहीं मालूम है, मैं अंदर से जानता हूं इनको। आप प्लीज आप इनसे जरूर जब भी टाइम मिले, एक आधा घंटा, ज्यादा नहीं आधा घंटा, आप जरा इनको टाइम दीजिए। जरूर, थैंक यू, दैट इज ग्रेट। जॉनी भाई आप आकर सीखना चाहेंगे? उन्होंने जिस तरह वो ऐसा करके जो खींचा है अपने आप को, ये कोई नहीं कर सकता। ये करके बताओ मान जाऊंगा मैं। थैंक यू जॉनी साहब। तो और बात आपसे शुरू करते हैं, हाउ मेनी पॉइंट्स फॉर दिस एक्ट? 10 points। थैंक यू आर्ची। 10 points फ्रॉम आर्ची एज वेल। तो हमारे दोनों जजेस ने दिए हैं इस एक्ट को बिंगो यमी टोस टॉप 10। Welcome Bharti as personality development teacher with Rakhi and Siddharth as village girl. Hi Macho man. Arbaaz ji pure gaon mein na hum dono ki izzat koi nahi karta. Koi izzat nahi karta hamari. Pyar se kisi ko I love you bolo to thappad maar ke bhag jate hain. Aur banda kya aapko thappad maar raha hai, yahan maro, yu thappad kaun maarta hai? Ye thappad kaun sa hota hai? Aisa thappad kaun sa hota hai? हम बिल्कुल नहीं डरेंगे, क्योंकि आज ना जो टीचर आ रही है ना, वो हम दोनों की पर्सनालिटी डेवलप करेगी। दीदी ये बहुत तेज है, सुबह सुबह उठ के बैठ जाते हैं और सुबह से उठते पता क्या काम करते हैं, ये सूरज को उठाते हैं और जब सुबह हो गई कितना अच्छा है तू, उठ जा। दीदी हाँ हाँ, कोई सुपरस्टार आ जाता है तो तुम आम आदमी को भूल जाती हो। हैं? हाँ मैं आम आदमी से बात करूंगी। अरबाज जी पता है, अरबाज जी आपको पता मैं कविताएं लिखती हूँ। मैं नहीं सुन रहा हूँ। नहीं सर, सुनो तो। मैं चाहती हूँ सर कि हम आप पे कविता लिखूं। लिखिए। तो लिख सकती हूँ? पीठ पे लिखूं कि पेट पे? छाती पे लिखूं प्लीज? हेलो, मैंने बड़े बड़े सेलिब्रिटियों को डेवलप किया है, एकदम डेवलप। हाय सुन, ये कहती कि इसने बड़े बड़े सेलिब्रिटी को डेवलप किया है, खुद कितनी मोटी है। हेलो, हु टोल्ड मी मोटी? हां मैं मोटी नहीं हूँ। मैम अगर आप मोटी नहीं है तो राखी सावंत भी शरीफ है। दीदी जिस काम के लिए तुम आई हो वो करो ना कॉन्फिडेंट, और सबसे पहले टमाटर खाओ। दीदी मैं तो रोज टमाटर खाती हूँ। तभी तेरी शक्ल सॉस जैसी है। अरे मेहनत टमाटर टमाटर कमा कर। ओके लेट्स स्टार्ट। वो तो चैतन तैसे होता है, यू नो एकदम लुक अग्रेसिव, जो सामने बैठा हो उसको ऐसे देखो जैसे खा जाओगी तुम। होते सबसे पहले आपका हाथ जाओ, मुझे देखना चाहते हैं। पहले से ही लात ऐसे लग लो कि अच्छी लगे और लुक। लेकिन लगी तो नहीं? बिल्कुल नहीं लगी। इस
तुलसी नहीं है, आप नीचे भी वो बोझ दे सकते हो ऐसे, ठीक है? जैकिस बोझ, कॉर्पोरेट लुक, यू नो यहाँ तक बटन खुले आपके, आप सेक्सी बॉस हैं, धीले धीले बाल आपते हैं और आप परी सी मीटिंग में हैं और वो वह हो तो तैसे जताना है, लुक लाइक रहते यहाँ लाना चाहिए, कई कई जगह टेबल नहीं होते तो लुक लाइक ऐसे थेर की तरह ऐसे फोटो खिंचवाओ। और दूसरा सबसे सेक्सी लुक, आप कोई डायरेक्टर सामने बैठा है यानी कि अरबाज खान, और आपने उसको बताना कि आप सेक्सी दिन भी तर सकती हैं, यू नो बाल आपके ऐसे गीले हैं, आपने नाइटी पहनी है और कह सकती है तल मैं सेक्सी दिन भी करके दिखा सकती हूँ, ऐते किया ऐते किया ऐते किया और ऐते मतलब इट माय स्टाइल। देखा मुझे पहन ही सकता है, ये असली हो ही नहीं सकती। हाँ मुझे भी लग रहा है कि ये कुछ नहीं कर सकती। आपने भी शक्ल देखी, बंदरी जैसी शक्ल है आपकी। और खुद का पेड़ देखो कितना बड़ा है। हमारा डेवलपमेंट क्या करोगी तुम? हेलो, अरे ये दो तके की गांव की लड़की मुझे कह रही है पम्मी को कि मैंने किसी को डेवलप नहीं किया। तुम दोनों को नहीं यकीन आता? नहीं। अभी देखो, स्टार्ट करो जल्दी टीवी। पम्मी जी आपने जो मेरा मेकओवर किया है, मैं जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ। आप आर के स्टूडियो ले लो, मेरा घर ले लो, मैं तो कहता हूँ कि आप दीपिका कैटरीना भी ले लो, बस आपका आशीर्वाद मेरे सर पे होना चाहिए हमेशा। और ये जो आप बाजू में देख रहे हैं ये दरअसल अर्चना नहीं है, ये आफ्टर मेकओवर है, ये पहले मकरंद थी। ये बताओ अर्चना, सबको सबको देखना चाहिए। देखा तुम लोगों ने कि पम्मी ने सबको क्या थे क्या बना दिया है। तो अक्षय, मैंने तुम्हारा मेकओवर किया, उसके बारे में इन दोनों दवार लड़कियों को बताओ। हेलो अक्षय, आपसे शुरू करते हैं। मैं पहली बार देखा है कि कॉमेडी करते वक्त कोई स्टंट्स भी कर रहा है। और जिस हिसाब से ये गिरी हैं, देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल मिस्टेक, जिस हिसाब से आई एम श्योर कहीं भी लगा नहीं होगा इनको। नहीं सर, मैंने तो बल्कि दो चार बाउंस भी देखे थे इनके, जब पीठ के बल गिरी तब बाउंस हुई थी, जब छाती के बल गिरी तब बाउंस हुई थी। बहुत बहुत कमाल करते हैं। और वैसे भी आप दोनों ने बहुत अच्छा किया, बहुत मजा आया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। जॉनी सर, भारती जी आप तो कमाल करती हैं। थैंक यू सर। कैसे गिरती हैं आप, जब भी करते हैं दिल से करती हैं। राखी माइंड ब्लोइंग, और सिद्धार्थ इसका सीधा अर्थ है यू आर ग्रेट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अरबाज, आप इस एक्ट को कितने पॉइंट्स देंगे? 9 पॉइंट्स फ्रॉम अरबाज। आर्ची, 9 पॉइंट्स फ्रॉम आर्ची। अक्षय सर, आपके सामने एक रिक्वेस्ट है, कोई डांस नहीं करना हमें, और कोई गले वाले जिसे मैं लगती हूँ आपको हर शो में, कुछ भी नहीं ऐसा। मैं अभी आपके साथ एक सीन करना चाहती हूँ। मैं और जॉनी जी बहुत प्यार करते हैं और आप जॉनी जी के पापा हैं, तो आप कह रहे हैं कि ये लड़की तेरे लिए सही नहीं है, तो मुझे वो सीन करना है सर आपके साथ। अभी तक गाया नहीं मेरा बेटा, क्या हो गया, इतना वक्त हो गया। पापा पापा, ये कौन लाया? पापा, इनके पिताजी इनको बड़े प्यार से छापा, मैंने इसको ढापा है। पापा मैं इससे प्यार करता हूँ, इसके बगैर रह नहीं सकता हूँ, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। बेटे घर में किसे उठा लाया हो तुम? क्या नाम है इस लड़की का? परी। बेटे तुम परी से शादी करना चाहते हो? अरे मैंने तुम्हें सॉरी, एक्चुअली हम पिज्जा खाकर आए थे ना, पर ये अंदर से भरी है। इधर आओ, तुम खड़े रहो यहाँ, मुझे ध्यान से देखने दो। पापा आपकी नियत तो नहीं थी? मैं चुंधिया गया था, सॉरी सॉरी सॉरी। पापा आप पंजाबी गाना गा सकते हैं? मैं आपका टेस्ट ले रहा हूँ, आप मेरा टेस्ट ले रही हैं। शर्म आनी चाहिए। पापा मेरे अपने होने वाले ससुर को कह रही हो डांस करो, गाना गाओ, मुजरा दिखाओ। पापा उसका दिल रख लो, पंजाबी गा लो, मैं से शादी करने वाली हूँ। शादी तुम, मजे तुम लो, गाने मैं गाऊं। औलाद के लिए क्या नहीं करते हैं माता पिता। प्लीज एक पंजाबी बोली गा दीजिए, मेरा डांस निकल रहा है। मैं हमारे सारे दर्शकों को बताना चाहूंगी कि आज से कॉमेडी सर्कस पर हम एक नया दस्तूर शुरू कर रहे हैं, जिससे हम अपने घर बैठी ऑडियंस को मौका देंगे कि वो हमारे शो पर आकर अपने चहेते स्टार्स से मिलें। तो
आप हंसते रहिए और हम आपको हंसाते रहेंगे. ओनली ऑन बिंगो यमी टोस प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के महाबली. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल. क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.